उद्धव जी जाने तैयार है। भगवान ने रथ दे दिया, अपना पीतांबर उड़ाया, बैजंती माला पहनाई और समझाया, आज जाओ कल आ जाना, अच्छे से समझा के आना। उद्धव जी ब्रज चल दिए। गोपियों ने दूर से देखा तो पहले तो सोचती हैं कि शायद ये हमारा कन्हैया है, लेकिन जब पास में उद्धव जी पहुंचे हैं तो गोपिकाएं समझ गई ये उद्धव जी हैं जो कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। और एक के बाद एक गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया। एक गोपी कहती है हमारे कृष्ण स्वस्थ तो हैं, दूसरी गोपी कहती है हमारे कृष्ण प्रसन्न तो हैं, तीसरी गोपी कहती है जब कभी ब्रज की चर्चा होती है तो क्या कृष्ण हमें याद करते हैं, चौथी गोपी कहती है क्या कृष्ण माखन को याद करते हैं, पांचवी बोली क्या कृष्ण रमण रेती को याद करते हैं, छठवीं बोली क्या निधिवन को याद करते हैं, सातवीं बोली क्या कृष्ण माखन को याद करते हैं, आठवीं बोली क्या कृष्ण यशोदा नंद को याद करते हैं, नौवीं बोली क्या कृष्ण राधिका को याद करते हैं, दसवीं बोली क्या कृष्ण कभी यहाँ आएंगे, ग्यारहवीं बोली भूल जाओ धनवान हो गया नहीं आएगा, तेरहवीं गोपी कहती है वो कोई साधारण कृष्ण नहीं है कि इतना सधन आए और हम अपने आप को भगवान का भी बाप समझ बैठे, वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है, वो यहाँ अवश्य आएंगे। एक के बाद एक गोपिकाएं प्रश्न करती हैं, उत्तर देती हैं। उद्धव जी ने समझाया कि हे गोपिकाओं, कृष्ण ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म निर्गुण और निराकार होते हैं, तुम कृष्ण को सगुण ब्रह्म मानना छोड़ दो। तब गोपिकाएं उत्तर देती हैं, उद्धव जी पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हंसी, कहते मछली पानी में रहती और फिर भी प्यासी, तो ये सोच के ही हंसी आती है। वैसे ही ब्रह्म के इतने नजदीक होने के बाद भी उद्धव आप ब्रह्म को पहचान नहीं पाए, आप ब्रह्म को जान नहीं पाए, आप अपने शास्त्रों के वेदों के उपनिषदों के कोरे और झूठे ज्ञान में ही लगे रहे। हे उद्धव जी अपना ज्ञान अपने पास रखो। क्यों? गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना भय दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, उद्धव मन ना भय दस बीस। गोपियां कहती हैं हमारे कोई दस बीस मन नहीं है जो हम यहां वहां सब में बांटते फिरे, हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है और अब उसका कृष्ण के पास से आना बड़ा 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 मुश्किल है। उद्धव जी ने फिर भी समझाने की कोशिश की। गोपियां कहती हैं सुनिए उद्धव जी, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ बीच आती नहीं है, बसी दिल के अंदर है मोहन की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है, नहीं योग माया की हमको जरूरत, बिना कृष्ण दर्शन के शांति। गोपियां कहती हैं ये आप अपनी ज्ञान की बातें अपने पास रखें क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, हमें तो केवल एक ही बात समझ में आती है, कृष्ण से प्रेम की, कृष्ण से भक्ति की, कृष्ण की बातें, कृष्ण की चर्चाएं, कृष्ण के लिए रोना, कृष्ण के लिए गाना, कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण के साथ उठना, कृष्ण के साथ बैठना। यदि बात करनी है तो केवल कृष्ण प्रेम की कीजिए, केवल कृष्ण की कीजिए, मत नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि आपका यह ज्ञान तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है। तो उद्धव जी कृपा करके बात करनी है तो कृष्ण की करो, ऐसा कहकर के गोपियां अपने अपने कामों में लग गई। यहाँ उद्धव जी निवास करते हैं, गोपिकाओं की स्थिति उद्धव जी ने देखी। अंत में कहते हैं वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु मभीक्ष्ण सहा ताजाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मिनंद बाबा के गाँव अर्थात ब्रज की गोपियों की वंदना करता हूँ। वंदना करते हुए जो उद्धव जी दो दिन के लिए आए थे, भगवान ने कहा था आज जाओ कल आ जाना, 19 महीने ब्रज में निवास करते हैं। याद आने पर जब मथुरा पहुंचे तो भगवान कृष्ण बैठे थे और कहते हैं उद्धव जी आप तो बड़े जल्दी आ गए,
तो उद्धव जी भी कहते हैं कृष्ण तुमने ही तो कहा था आज जाओ कल आ जाना, तो कल गया था और आज आ गया। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को अपने समय का भी ज्ञान नहीं होता। दो दिन के लिए जाने वाले उद्धव 19 महीने वृंदावन रहते हैं और 19 महीने के बाद जब आते हैं तो कहते हैं कल ही गया था और आज आ गया। ये भक्ति है और ये भक्ति की अद्वितीय शक्ति है। तो संक्षिप्त में हमने उद्धव जी की पावन कथा को श्रवण किया। 118 श्लोकों में दशम स्कंध के अंतर्गत उद्धव जी की ब्रजयात्रा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।